नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के बालाघाट में गुड्डा भैया के समर्थन में सामने आया संस्कार धारणी सर्व समाज सौंपा ज्ञापन। आज संस्कार धारणी सर्व समाज के पदाधिकारियों और सामाजिक लोगों ने वारा सिवनी के एक लॉन में प्रेस वार्ता आयोजित की। इसके पश्चात सर्व समाज के सामाजिक लोगों द्वारा रैली निकालकर SDM वारा सिवनी एवं पुलिस अधीक्षक के नाम थाना प्रभारी वारा सिवनी को ज्ञापन सौंपते हुए क्षेत्रीय विधायक गुड्डा जायसवाल के समर्थन में नारेबाजी की गई। समस्त सामाजिक संगठन के सामाजिक पदाधिकारियों तथा सामाजिक बंधुओं ने इस दौरान कहा कि समाज के नाम का दुरुपयोग करते हुए हमारे क्षेत्रीय विधायक के विरुद्ध कुछ कतिपय राजनीतिक व्यक्तियों द्वारा जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने तथा मारपीट करने के अनर्गल आरोप लगाकर विधायक जायसवाल की छवि को धूमिल करने का प्रयास करते हुए झूठी रिपोर्ट लिखवाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने हेतु ज्ञापन सौंपा जा रहा है। उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन को गुमराह कर किसी भी जनप्रतिनिधि के प्रति भविष्य में ऐसा प्रयास करने वाले कथित व्यक्तियों को दंड मिले ताकि ऐसी कृत्यों की पुनरावृत्ति न हो सके। बालाघाट जिला ब्यूरो, नीरज काकोटिया की रिपोर्ट। जी बताइए, आपका नाम पहले? मैं सुनील जायसवाल, अध्यक्ष कलार समाज वारासिवनी। ये घटनाक्रम 29 तारीख को जो हुआ है, ये बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक हरकत जो कुछ नेताओं के द्वारा अपना कद बढ़ाने के लिए की गई है, बहुत ही शर्मनाक है। इसका हम सभी सर्व समाज के लोग मिलके विरोध करते हैं और उनके इसके अलावा जो विधायक है, किसी एक समाज का नहीं होता, वो एक समाज में दम नहीं है कि किसी विधायक को बना दे और तैयार कर दे। ये सर्व समाज मिलके ही एक नेता को बनाता है और तैयार करता है। अब विधायक जी गुड्डा जायसवाल विगत 20 साल से लगातार आज विधायक प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं वारासिवनी क्षेत्र का, और कुछ षड्यंत्रकारी नेता जैसे अपन बोले विवेक पटेल है, गौरव सिंह पारधी है, निरंजन बिसेन है और अन्य साथ में दो तीन नेता लोग मिलके जो उनके बराबरी नहीं कर सकते, उनको क्या बोलते हैं, उनके बराबरी नहीं कर सकते, वो उन पर लांछन लगवा रहे हैं और उन्हें बदनाम करने की षड्यंत्र साजिश रची गई है। इसे बहुत ही निंदनीय है, शर्मनाक है। मैं सर्व समाज की तरफ से और अपने समाज की तरफ से इस घटना की घोर निंदा करता हूं और प्रशासन से उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में ऐसी घटनाएं प्रवृत्ति ना हो, इसलिए आप एक साफ स्वच्छ और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए ऐसी जाँच करें और सच सामने आए। तो सभी समाज के लोगों से सामना होता है, लेकिन एक व्यक्तिगत लड़ाई को यदि हम हर लड़ाई को समाज की ओर डाइवर्ट करेंगे तो ऐसे में तो समाज में विघटन हो जाएगा। इसी बात का हम लोग आज निषेध करने के लिए सब लोग जमा हुए हैं कि ये जो घटना गुड्डा भैया के साथ हुई है, अब ये हमारे क्षेत्र के किसी के भी साथ ना हो, क्योंकि हम व्यापार कर रहे हैं, हम रोड में चल रहे हैं। कोई लड़ाई को यदि समाज के रूप में, यहाँ सभी समाज है, कोई अल्पसंख्यक है, कोई बहुसंख्यक है, लेकिन किसी तरह का इस टाइप का समाज के नाम से दबाव ना बनाया जाए। अधिकारियों से मांग भी कर रहे हैं।